बिहार में पंचायत और ग्राम कचहरियों के लगभग 2.5 लाख पदों पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार बोगस यानी फर्जी वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी। आयोग चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ कई तरह के नए प्रयोगों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी लगाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन के प्रयोग पर फैसला। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद हर मतदान केंद्र पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाने की योजना है। मतदान केंद्र पर वोट देने आए मतदाता की बायोमेट्रिक मशीन के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन के अलावा 5 तरीके से वोटर्स की पहचान की जाएगी। इसके तहत वोट डालने के लिए आने वाले वोटर का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फेस रीडिंग की भी योजना है। मतदान केंद्र पर इपिक से मिलान किया जाएगा। मतदान से पहले इसको सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। सुरक्षा की इस चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए बोगस वोटर्स की आसानी से पहचान हो जाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।